नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है कब आएगा, इसको लेकर बहुत से बच्चे को सवाल है कि क्या होगा और इसमें कौन कौन जो यूपी टेट है, इस बार का यूपी टेट आपके लिए स्पेशल होने वाला है। क्यों स्पेशल होने वाला है? क्योंकि इसी के जस्ट बाद आपका सुपर टेट आएगा और जो नया आयोग बना है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो सुपर टेट के मार्क्स होंगे उनमें आपका 25% मार्क्स यूपी टेट और सी टेट का जोड़ा जाएगा। इन सभी सवालों के जो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्या सुपर टेट में इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे या उसके बाद से कंपटीशन लेवल अब कैसा होगा, बीएड अपियरिंग या डिप्लोमा अपियरिंग जो बीटीसी या डीएलएड कर किए हुए हैं, अपियरिंग स्टूडेंट है डीएलएड कर रहे हैं, क्या वो एग्जाम में दे सकते हैं यूपी टेट का, तो इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। तो सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये जो आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन है इसका एक मैं प्रमाण दूंगा कि अभी जो बेसिक एजुकेशन है ट्विटर का, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट का, उसके द्वारा ट्वीट किया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसे ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ इसका। हाँ, इसे ध्यान से आप लोग देखिए कि जो ट्वीट किया गया है, इसमें ट्वीट में क्या लिखा गया है कि यूपी टेट 2023 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। ठीक है, 2023 की जो अधिसूचना है वो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि कब इसका रिक्रूटमेंट आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ये आपका जल्द ही मिलेगा, हो सकता है कि आपके जो ये मार्च एंड या अप्रैल के जो 15 तारीख तक आपको सूचना कहीं ना कहीं यूपी टेट का मिल जाए। ठीक है, और बाकी यहां पर जो दिया गया है कि यूपी टेट 2021 में जो चीजें हुई थी उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक इतने जो लोग हैं कैंडिडेट वो 2021 में अप्लाई किए थे, जिसमें से इतने प्राइमरी के लिए थे और इतने आपके जूनियर के लिए थे। तो इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि यूपी टेट को लेकर गवर्नमेंट जो है सक्रिय है और जल्द ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर दूसरे सवाल पे हम लोग थोड़ा सा पहुंचते हैं आपके कि कंपटीशन कैसा होगा। नहीं, पहला सवाल अभी आपका बचा है, क्या सुपर टेट में जुड़ेगा इसका मार्क्स? एकदम, जो लोग अभी सी टेट दिए हों, ठीक है, अगर बाय द वे मार्क्स अच्छे नहीं आपके आए हैं प्राइमरी में, तो वो अभी यूपी टेट में अच्छे मार्क्स अपना गेन कर सकते हो। ठीक है, यूपी टेट का जो आपका एक तरह से बोला जाए, पहले इससे पहले क्या था कि आपका क्वालिफाई कर लो, बहुत होता था, क्वालिफाई कर लो 90 नंबर मार्क्स लाकर क्वालिफाई कर लिए, वो बस उसके बाद से उसका जो सर्टिफिकेशन है लाइफ टाइम वैलिड रहता था। लेकिन अभी लाइफ टाइम वैलिड तो होगा, लेकिन आपका सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके यूपी टेट या सी टेट का जो मार्क्स होगा उसका 25% मार्क्स जो होगा यूपी में, जो सुपर टेट का एग्जाम होता है टीचर के लिए प्राइमरी के लिए, सुपर टेट में आपका जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, इसका 25% मार्क्स आपका सुपर टेट में जुड़ेगा। तो बहुत बड़ा वेटेज हो गया इस तरह से। तो अब कंपटीशन की जो मैंने बात किया कि दूसरा जो सवाल था, तो ये पहले सवाल का जवाब मिल गया कि मार्क्स आपका जुड़ेगा, दूसरा कि कंपटीशन क्या होगा। अब यहां देखो, जो लोग पहले से यूपी टेट दे चुके हैं, जिनके सिर्फ क्वालिफाई किए हैं, मार्क्स अच्छे नहीं है, वो भी इस बार फॉर्म डालेंगे। तो इस बार जो फॉर्म फिलिंग होगा, इस बार जो फॉर्म फिल किया जाएगा, इसकी संख्या बल बहुत ही ज्यादा होगी। ज्यादा होने के दो कारण हैं। एक जो तीसरा सवाल था कि क्या बीएड या डीएलएड वाले, बीएड वाले, और अभी तो बीएड वालों का चल ही रहा है केस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बीएड और डीएलएड वाले जो अपियरिंग स्टूडेंट है, जिन्होंने चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी अभी एडमिशन लिए हो बीएड में चाहे डीएलएड में, चाहे, तो वो सभी क्या फॉर्म डाल सकते हैं? हाँ, वो सभी एनसीटी के थ्रू वो फॉर्म डाल सकते हैं। अब उनको वो क्यों फॉर्म डालेंगे? क्योंकि वो फॉर्म डालते भी हैं तो सुपर टेट में तो एलिजिबल हो नहीं पाएंगे, अगर अगले साल भी सुपर टेट आता है तो। ठीक, अगर इसकी बात हम बात करें तो वो इसलिए डालेंगे क्योंकि ये चीज जो बोला गया है कि यूपी टेट में अब मार्क्स अगर आपके अच्छे होंगे तो उसका 25% मार्क्स आपका सुपर टेट में जोड़ा जाएगा। इस वजह से वो अपियरिंग स्टूडेंट जो होंगे वो भी फॉर्म फिल करेंगे, और जो पुराने आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके ओल्ड स्टूडेंट हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं यूपी टेट, वो भी फॉर्म फिल करेंगे। इन दोनों का फॉर्म फिल करने का मकसद यही है कि यूपी टेट में अच्छे मार्क्स ले आना, अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स ले आना, गुड मार्क्स ले आना। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा मार्क्स होगा उतना ही वेटेज आपका यहां पर बढ़ेगा।
तो कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। सभी जमथम के पढ़ेंगे कि भैया 150 में कम से कम 130, 135, 140 ये स्कोर की अब जोड़ लगेगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? अभी तक था कि चलो थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ लिया, क्वालिफाई हो गए, ठीक है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं रहता था। सुपर टेट में हम अच्छे से पढ़ते थे अपना, उसी के बेसिस पर और एकेडमिक के बेसिस पर आपका मेरिट बनता था। लेकिन अब जो होगा वो आपका इसका भी मार्क्स जुड़ेगा। तो रही बात कि भैया तैयारी कैसे कर रहे हैं आप इन सब चीजों के लेके, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है तो तैयारी कैसे करें, तो इसी को लेकर आज सुबह आपको आलोक सर ने एक वीडियो बनाया कि होली के उपलक्ष्य में आप लोगों को जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो 12-13 तारीख से आपका जो है, 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 13 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा यूपी टेट का, ठीक है। यूपी टेट का ये जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री है, इसमें कोई भी शुल्क हम नहीं लेंगे। और जैसे केवीएस पीआरटी को हमने पूरी तरह से निशुल्क ए टू जेड पढ़ाया था, वैसे ही बेस्ट फैकल्टी के द्वारा विद आपके पूरे के पूरे जो नोट्स होंगे, जो भी प्रैक्टिस सेशन होगा, सभी के साथ ये पूरा यूपी टेट फ्री में कंप्लीट कराया जाएगा। अब किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि सर क्या आधा करा के छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे, नहीं, क्योंकि आपके पास एग्जांपल है, पूरा पीआरटी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके देख लो, पूरा कंप्लीट कराया गया था। और इसे भी हम उसी ऊर्जा के साथ इस होली की होली मना लो सब लोग, और 13 तारीख से हम लोग फिर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे एकदम बहुत तेज मेहनत से, ताकि आपका स्कोर जो है, मैं बोलूं कि जो 150 है इसमें किसी भी बच्चे का स्कोर 135 से कम ना हो, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दुविधा, कोई समस्या है आपको यूपी टेट को लेकर, तो वो अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जो भी आपके सवाल होंगे उनकी जो कोशिश किया जाएगा कि टीम के द्वारा आपके सभी जवाब दिए जाएं वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, तो अपनी समस्याएं जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।